न्यूट्रीलाइट डेली मल्टीविटामिन का डेमोस्ट्रेशन। तो हम बता देते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। इसके अंदर 13 विटामिन्स हैं, 11 मिनरल्स हैं और 6 फाइटो न्यूट्रिएंट्स हैं। फ्रेंड्स, थोड़ा सा हम न्यूट्रीलाइट के बारे में बात कर लेते हैं कि ये कैसे अपने सप्लीमेंट्स बनाता है, मतलब किस क्वालिटी से हमारे सप्लीमेंट को कंट्रोल करके ये बनाता है और हमें बेस्ट सप्लीमेंट एक प्रोवाइड कराता है। फ्रेंड्स, तो हम बात करते हैं, न्यूट्रीलाइट एक ऑर्गेनिक फार्मिंग के ज़रिए अपने जितने भी सप्लीमेंट हैं उनको ऑर्गेनिक फार्मिंग के ज़रिए बनाता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जहाँ पर न्यूट्रीलाइट तैयार होता है, ये इस प्लांट के अंदर तैयार होता है। ये फैक्ट्री आप देख रहे हैं, ये पूरा इसके अंदर जीरो पोल्यूशन है। ये पूरा जो फैक्ट्री आप देख रहे हैं, पूरा सनलाइट से ऑपरेट होता है। फ्रेंड्स, ये मदुरई में है, चेन्नई के अंदर है और ये सीड से लेके सप्लीमेंटेशन तक पूरा कंट्रोल खुद के ऊपर रहता है इनका, कैसे बनाते हैं, और ये वर्ल्ड का बेस्ट सप्लीमेंट हमको प्रोवाइड कराते हैं। फ्रेंड्स, ये दुनिया का नंबर वन डाइटिन सप्लीमेंट है। तो आइए बात करते हैं ये मल्टीविटामिन डेली का। तो ये फ्रेंड्स, हमने दो जार ले लिए हैं, ग्लास लिए हैं इसके अंदर, और हम यहाँ बात करेंगे, इसके अंदर हम पानी ले लेते हैं दोनों में, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर 75% वाटर होता है। तो हमने यहाँ पर इतना 75% वाटर ले लिया है और ये दोनों में वाटर ले लेते हैं। फ्रेंड, यहाँ पर हमने दोनों वाटर ले लिया है और यहाँ पर हम लेंगे चावल। चावल चावल हमारे जो सेल्स को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि इसके अंदर लिविंग सेल्स रहते हैं। तो हमने यहाँ पर इसमें भी चावल डाल दिया, इसमें भी चावल डाल दिए हैं और चावल पूरी तरह से वाइट है। फ्रेंड, अभी पूरी तरह से वाइट है और एज इट इज़ रखा हुआ है। आप मानते हैं कि हमारे जो खाना है, हम जो खा रहे हैं, फल हो, सब्जी हो, और मार्केट के अंदर एयर कितना पॉल्यूटेड हो गया है। तो कहीं ना कहीं हम जैसे घर से निकलते हैं तो वो एयर के ज़रिए हम जो ब्रीथ लेते हैं, सांस लेते हैं, उसके ज़रिए हमारे अंदर बैक्टीरिया चला जाता है। तो पॉल्यूटेटेड, हमारे चारों साइड पॉल्यूटेड है, हम उसको रोक नहीं सकते, बट हम उससे बच सकते हैं। कैसे बचा जा सकता है, उसके ज़रिए हम बात करेंगे। ये धीरे धीरे जैसे फल और सब्जियां कहाँ से आ रही हैं, उनके अंदर कितना केमिकल यूज़ हो रहा है आज, कितना खाद, पेस्टिसाइड और न जाने क्या क्या तरीके से उनको लगाया जा रहा है। आप देखिए, रातों रात पता चले लौकी के अंदर इंजेक्शन लगा के उसको बड़ा कर देते हैं, रातों रात में बड़ा हो जाता है वो। तो हम यहाँ पर फ्रेंड्स लेंगे बीटाडीन, सॉरी मैंने यहाँ से उठाया नहीं था। तो हम यहाँ पर इसमें इसके अंदर बीटाडीन डालेंगे। तो बीटाडीन ये हमारे पॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा कि ये बीटाडीन है, ये घाव जो चोट लग जाती है उसको ठीक करने के लिए यूज़ करते हैं। तो हमने इसको, इस पानी को दोनों को पॉल्यूटेड कर दिया है और हम देखेंगे ये पूरी तरह से। फ्रेंड्स, हमारे शरीर के अंदर क्या है मेन चीज़, सबसे छोटी चीज़ क्या है, बेस्ट अगर बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं हमारे अंदर सेल। जब सेल से ही हमारा अगर खाना उसको ठीक नहीं मिलेगा तो वो कहाँ से काम करेगा। सेल से, बहुत सारे सेल से मिलके टिश्यूज़ बनते हैं, बहुत सारे टिश्यू से मिलके ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। फ्रेंड्स, इस तरह से तो हमारा सेल, हमारे क्या आप मानते हैं कि आप जो खा रहे हैं उसमें आपको पर्याप्त मात्रा में पोषण मिल रहा है, कि भरपूर मात्रा के अंदर आपको प्रोटीन मिल रहा है, विटामिन मिल रहे हैं, आप इस चीज़ को मानते हैं क्या। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये यहाँ पर चावल का कलर पूरी तरह से चेंज हो गया है। देखिए, ओह माय गॉड, बिल्कुल देख रहे हैं आप, एकदम ब्लैक हो गया है एकदम, इसका जो कलर है एकदम ब्लैक हो चुका है।
अब किस तरह से हमारी सेल्स को ये डैमेज करता है, और ये अगर हमारी सेल डैमेज होगी और ये यहाँ पर, तो एक टाइम बाद जाके वो धीरे धीरे करके किसी न किसी डिजीज़ में कन्वर्ट होने लगता है। तो हम यहाँ पर ये मल्टीविटामिन डेली लेंगे। यहाँ पर मैं एक टैबलेट है, इसको मैं आधी टैबलेट इसके अंदर, आधी टैबलेट इसके अंदर ले लेते हैं, एक चूँकि टाइम की अभी शॉर्टेज है तो उसके लिए हम यहाँ पर क्रैसेस कर लेते हैं इसको। इसके अंदर कुछ नहीं है, ये हमने टैबलेट डाली है, आधी टैबलेट यहाँ पर डाल लेते हैं, इसको थोड़ा सा क्रैश कर लेते हैं, क्रैश कर लिया, क्रैसेस कर लेते हैं इसके अंदर, पूरी तरह से हमने इसको क्रैश कर लिया। अब देख सबसे पहले क्या हो रहा है कि हमारी बॉडी के अंदर एक तो हमारा इम्यून सिस्टम भी गड़बड़ हो गया है, हमारी एनर्जी लेवल भी कम होता जा रहा है। जो सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं वो शाम को थक जाते हैं बेचारे, उनका वापस से आने के बाद में कुछ करने को मन ही नहीं करता, मतलब इतने वो थक जाते हैं। कारण यही है कि हमें पर्याप्त मात्रा में पोषण नहीं मिल रहा है, हमारे बच्चे तुरंत बीमार हो जाते हैं, हम किसी को एलर्जी हो रही है, किसी को कुछ हो रहा है, मौसम चेंज हुआ हम बीमार पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर हमने डेली लिया, और देखिए फ्रेंड यहाँ हमने इसमें मिक्स कर दिया, ये देखिए वाओ जादू हो गया। तो हाँ बिल्कुल, ये देखिए इसने पूरे जो अपना बीटाडीन था उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। और ये देखिए ये चावल का कलर क्लीन करने लगा है, साफ़ करने लगा है पूरी तरह से इसने इस चावल को। ये देखिए देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये शायद अभी जैसे वाटर हमारा कलर चेंज करने लगा, ये ग्रीन कलर में होने लगा। तो इससे आप क्या समझते हैं, जो हमारा प्लांट रहता है, प्लांट होता है वो भी तो ग्रीन कलर का होता है, तो इसके अंदर ये भी ग्रीन कलर का हो गया है। तो पूरी तरह से फ्रेंड्स ऑर्गेनिक है ये, इसके अंदर कोई भी केमिकल यूज़ नहीं है। आप जिनको लगता है कि हम अपने खाने के अंदर पर्याप्त मात्रा में पोषण नहीं मिल रहा, उनके लिए डेली मल्टी विटामिन एक बहुत ही सरल उपाय हो सकता है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये चावल को इसने पूरी तरह से क्लीन कर दिया है, पूरी तरह से साफ़ कर दिया है ये उसने, देखिए थोड़ा सा और है अभी, इसने क्लीन कर दिया है पूरा, कुछ टाइम और करेंगे तो ये चावल को एकदम वाइट कर देगा। तो हम जो बॉडी के अंदर जो फ्री रेडिकल्स जा रहा है, ये फ्री रेडिकल्स कुछ भी हम खाते हैं, चाहे मार्केट का जूस पी लें, कुछ भी ले लें, उसके अंदर केमिकल तो है ही। तो जब केमिकल जाता है तो हमारी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं। जब फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं तो हमारी जो कोशिकाओं को रहते हैं, जो कोशिकाओं को खाना मिलना होता है, उनको पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिलता और हमारी कोशिकाएं कंफ्यूज हो जाती हैं। तो वो पर्याप्त जैसे उनको वर्क करना चाहिए उस तरह से वो काम नहीं करती हैं। तो अभी देख रहे हैं कि कितने सारी डिजीज़ हैं होने लगी हैं। तो जब कोशिकाओं को भोजन नहीं मिलेगा पर्याप्त मात्रा में तो वो क्या होगा, एक लंबे टाइम जाके कुपोषण हो जाएगा, या हम मानसिक तनाव हो रहा है, चिड़चिड़े होते जा रहे हैं हम, थकावट हो जाती है, स्ट्रेस इतना हो गया है बहुत ज़्यादा, बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं है। तो क्या ये फ्री रेडिकल्स जनरेट करता है, और फ्री रेडिकल्स को ये पूरी तरह से ख़त्म कर दिए। देखिए आप इसका पूरी तरह से चेंज हो गया है। अब ये व्यक्ति तो मौसम देखिए पूरी तरह साफ़ हो चुका है। अब ये हैं, ये तो एमए का मल्टीविटामिन लेते हैं, ये स्वस्थ हैं। अब ये वहाँ से बोलते हैं, भैया मैं तो बहुत बीमार हो रहा हूँ, क्या करूँ, बहुत परेशान हूँ, आप क्या लेते हो बताओ हमें कुछ। तो भैया मैं तो ये न्यूट्रोलाइट का मल्टी विटामिन लेता हूँ, उसके अंदर 13 विटामिन, 11 मिनरल्स और 6 तरह के हमें जो प्लांट हैं उससे हमें फाइटो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं।
तो आप भी ये लेना स्टार्ट कर दो।